नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। अभी बज रहे हैं 7:10 और हमें जाना है एक डिनर पार्टी अटेंड करने के लिए। वहां हमें पहुंचना है 9 बजे और वो जगह यहां से 50-55 किलोमीटर है, गाजियाबाद से गुड़गांव। हमने डिसाइड किया था कि हम 7 बजे शार्प निकल जाएंगे और मैं हूँ रेडी और विहान है रेडी। और विहान ने आज पहनी है जीन्स, बड़े दिन के बाद, कभी नहीं पहनता जीन्स। लेकिन गैस कौन रेडी नहीं है? मैं प्रिवेसी थोड़ी इन्वाइट कर रहा हूँ। तो मेकअप कर रही है, मेकअप तो तुम हर जगह गाड़ी में करती है, वॉशरूम में करती है, होटल की लॉबी में करती है। कितनी देर में चलें? 5 मिनट और। चल भाई। कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है? मैं ना, ये ब्यूटी पार्लर भी गई है उसके बाद ही। ये था बाकी, ये ब्यूटी पार्लर भी गई है, 1-2 घंटे लगा के आई है, उसके बाद भी मैं बेटर दिख रहा हूँ। मैं पार्लर पार्टी के लिए नहीं गई थी। गई तो थी ना। मैं सबसे अच्छा दिखा। तू तो दिखता ही है हमेशा। इसका मैंने हेयर स्टाइल कराया, ये कि ऐसे जाए, ये स्टाइलिश, लेकिन मैं बहुत दूर हमेशा गिरा के रखता है बाल। गिर जाते हैं। तो टाइम है फाइनली 7:30, अब हम निकल चुके हैं। हमने कूच कर दिया है अपने घर से, हम जा रहे हैं गुड़गांव। बारिश शुरू हो गई है निकलते ही, तगड़ी वाली। अभी तक शांत था सब, तो ये सिग्नल है कि हम ट्रैफिक में फंसने वाले हैं। हम ऑलरेडी लेट हैं, तो इसका मतलब वहाँ भी लेट पहुंचेंगे और वहाँ से घर आते आते भी रात को काफी लेट हो जाएगी। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाना तो जरूर है। इश्ता जी आज हमें ड्राइव करके लेके जाएंगी, हमारे इस विमान की पायलट है ये, तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी है इनके ऊपर। और मैं हूँ कैमरा मैन, मैं हूँ लाइट मैन, जो बकबक भी करेगा, लाइट भी संभालेगा, शूट भी करेगा। और हम जा कर रहे हैं, मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है केवी, जिसको आपने पुराने व्लॉग्स में भी देखा होगा, जो कैमरा शाय है, बोलता नहीं कभी कैमरे के सामने। उसका असली नाम है समीर जाजू, उसकी वाइफ है हमारी जीजी और उसका बर्थडे आज, और उसका नाम है ज्योति जाजू, जो मेरी सिस्टर की तरह है। और हम जा रहे हैं उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में। टाइम है 7:39 और ये दिखा रहा है 1 hour 23 minutes का रास्ता, विच आई हाईली डाउट। तो हम 9 बजे पहुंचेंगे, एक्चुअली हम 9 का ही प्लान कर रहे थे। अगर 9 बजे पहुंच गए तो आई विल बी वेरी हैप्पी, बट मुझे सीरियस डाउट्स है, जिस हिसाब से बारिश हो रही है आई थिंक ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप हमारे ड्राइवर को देख रहे हैं, जब ये घर से निकली थी पूरा ढक के, आपने देखा था, ब्लैक कलर का कुछ पहना हुआ था ऊपर से, मान मर्यादा के साथ निकली थी। गाड़ी में आती सब चेंज हो गया ना, लुक हैज चेंज्ड। आई थिंक 1990 से सीधा 2022 में आ गए इश्ता जी। और इश्ता जी आर लुकिंग वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। एक घंटा हो गया चले हुए, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, गुड़गांव एंटर करने वाले हैं। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, गूगल आंटी वॉज कम्प्लीटली करेक्ट, लेकिन आज हमारे ड्राइवर की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है। इन्होंने 2 बार ब्रेक मार दी बीच सड़क में, उसके बाद एक बेचारे बाइक वाले की जान लेने की कोशिश करी इन्होंने। तो इतने कूल नहीं होते धीरज, अगर सिचुएशन ऐसी होती है। नहीं, मेरे पे क्या पीती है मुझे पता है, मेरा जो कहते हैं ना, हार्ट वॉज इन माई माउथ, बस जान बची आज इस तरह मेरी। तू घर से रेडी होके चली थी, तूने सिर्फ गाड़ी चलाई है, तो खराब कैसे हो गए? मैंने बांधे हुए थे, मैंने घर पे कॉम भी नहीं किया था। तू घर पे कॉम भी नहीं किया था, तो इतनी देर क्या लगी थी यार रोने में? मेकअप किया था। आप ना जो शुरू में अभी आया था ना, उसमें डाल देना 1 eternity later। पहुंच तो गए हम टाइम पे, 9:14, बहुत अच्छी टाइमिंग रही है, लेकिन अभी वेट कर रहे हैं रेडी होने का। बहुत एग्जैजरेट करते हो, नहीं पकाते हो तो पक रहे हो। चाबी कहाँ है? जिसने गाड़ी को अनलॉक करी थी उसके पास होगी चाबी। अब एक मिनट, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है। कुछ गिरा था ना नीचे, वही तो नहीं था? कुछ गिरा था नीचे, वही तो नहीं था? पता नहीं, हेल्प करो। फ्रॉग फ्रॉग दिखा दे, फ्रॉग भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया फ्रॉग। बयान ने पहली बार देखा फ्रॉग, मैंने सही में पहली बार देखा। इसके जो हाइट लिम्स है, अब मुझे पता चला कैसे। अरे वो डर डर रहे, मत करो पीछे। ओके चलो।
अभी टाइम हो रहा है रात के ऑलमोस्ट 2:15 और मैं 9:30 बजे सोने वाला इंसान हूँ, तो ये मेरे स्लीपिंग टाइम से 4-5 घंटे ऑलमोस्ट ओवर है। और मेरी ये हालत है कि मैं खड़े खड़े भी सो सकता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ, आई विल हिट द बेड। बाकी बातें करेंगे कल मॉर्निंग में, तो आई विल सी यू टुमारो, गुड नाइट। कि आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपको पता है कि आपको तकरीबन 2-3 घंटे कम से कम और सोना चाहिए, लेकिन आपको नींद नहीं आ पाती। आपको पता है आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आपके शरीर में थकान है और आप कोशिश करते हैं सोने की, लेकिन फिर भी आपको नींद नहीं आ पाती। ठीक ऐसा मेरे साथ आज हुआ। मैं 2:30 बजे के करीब सोया हूँ, 8 बजे मेरी नींद खुली है, 8 से 8:30 मैंने पूरी कोशिश करी है सोने की, लेकिन मैं विफल रहा, मैं सो नहीं पाया दोबारा। माइंड वॉज प्लेइंग गेम्स, पता नहीं क्या कीड़ा होता है दिमाग में, मुझे पता है मैं थका हुआ हूँ क्योंकि मैं लेट सोया एंड विद ऑल द पार्टिंग मुझे कम से कम 2-2.5 घंटे और सोना चाहिए था, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी मैं सो ही नहीं पाया। तो फिर आई गेव अप, मैंने ट्राई करना ही छोड़ दिया। मुझे लगा इससे अच्छा है कि उठो, कुछ खाओ पियो और जिम ही चलते हैं। तो मैंने थोड़ा सा हैवियर देन यूजुअल शेक बनाया है क्योंकि मैंने डिनर हैवी नहीं किया था, मैंने वहाँ डिनर ऑलमोस्ट करा ही नहीं, सिर्फ स्नैक्स खाए थे। तो इसलिए मैंने 2 केले और 1.25 स्कूप, एक हीप्ड स्कूप ऑफ प्रोटीन डाला इसमें क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। लास्ट प्रॉपर मील मैंने कल शाम को 4 बजे ली थी, जब मैंने ओट्स खाए थे, लेकिन अभी मुझे भूख लग रही है। आई वुड हैव स्ट्रगल्ड इन द जिम, तो इसलिए मैंने इसकी कैलोरीज थोड़ी सी बढ़ाई है। कॉफ़ी भी मैंने यूजुअल से थोड़ी स्ट्रांग बनाई है क्योंकि हो सकता है जिम में थोड़ी सी स्ट्रगल हो वर्कआउट करने में, क्योंकि मैं सिर्फ 5 घंटे सोया हूँ। वैसे कार्य से मुझे एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेना चाहिए था, मेरे पास 2 प्री वर्कआउट सप्लीमेंट रखे हुए हैं घर पे, लेकिन आई हैव डिसाइडेड अगेंस्ट देम। मैंने प्री वर्कआउट सप्लीमेंट बिल्कुल यूज करना बंद कर दिया, मैंने उन्हें अपनी लाइफ से निकाल दिया है। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जिम में जिसमें आई थिंक आई डिडंट बिहेव अप्रोप्रिएटली, और मुझे लगता है कि वो ट्रिगर किया था प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ने। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वैसा इंसिडेंट मैं कभी रिपीट करूं, तो इसलिए मैंने प्री वर्कआउट लेना बंद कर दिया है। उस इंसिडेंट के बारे में मैं आपको जिम चलते चलते रास्ते में बताता हूं। अभी तैयार होते हैं और फटाफट निकलते हैं। 9:15 हो गए भाई, 1 घंटा हो चुका है उठे हुए मुझे। हाँ जी, तो मैंने गाड़ी जिम के रास्ते में लगाई है ताकि मैं आराम से बैठ के आपसे बात कर पाऊँ। अब बात करते हैं उस इंसिडेंट के बारे में जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी कॉफी पीते पीते। तो हुआ कुछ ऐसे कि 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं जिम में गया वर्कआउट करने के लिए, गर्मी बहुत ज्यादा थी और जिम में एक भी एसी नहीं चल रहा था। और हमारा जिम, अगर आपने मेरे फुटेज में समझा हो, एक ऐसा इंडोर जिम है जिसमें कोई खिड़की, दरवाजा, रोशनदान, एग्जॉस्ट कुछ भी नहीं है। अगर एसी ना चले तो वहां पर कोई भी वेंटिलेशन नहीं होती, और उस दिन वैसा ही हो रहा था, पंखे चल रहे थे लेकिन दे वर नॉट हेल्पिंग एट ऑल। तो मैंने एक कंसर्न रेज किया जिम के एक एम्प्लॉय के साथ जो एडमिन वगैरह देखता है और जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ था, और उसने मुझे कुछ ढंग से रिप्लाई नहीं किया। मेरा कंसर्न गलत नहीं था, मैंने जिस तरीके से उसे रेज किया वो भी शायद गलत नहीं था, लेकिन उस बंदे का रिप्लाई मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन उसने मुझसे बदतमीजी नहीं करी, उसने मुझसे प्यार से आराम से बात करी, लेकिन उसका रिप्लाई थोड़ा कुछ ऐसा था कि वो टालना चाह रहा था जो मैं बोल रहा हूँ, और मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी। मुझे जनरली बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आता, मैं भी इंसान हूँ, गुस्सा आता है कभी कभी, लेकिन अगर आता भी है तो मैं उसे कंट्रोल कर पाता हूँ। मैं उसे जाहिर नहीं करता दूसरों पे, दूसरों को पता नहीं लगने देता कि मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगी है या मैं उस बात से नाराज हूँ या गुस्सा हूँ। उस दिन ऐसा नहीं हुआ, उस दिन मैंने ऐसे बिहेव नहीं किया, मुझे उसकी बात पसंद नहीं आई एंड आई बिहेव्ड इनअप्रोप्रिएटली। मैंने जिस तरीके से उसके साथ रिएक्ट किया, उसे जवाब दिया, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, वो अच्छा बिहेवियर नहीं था। तो हमारी कुछ कहा सुनी, कुछ बहस हुई इस बारे में, एसी तो फिर भी नहीं चले, उसने मेरी मैनेजर से फोन पे बात कराई जो उन्होंने अगले दिन सॉर्ट आउट किया जाके। खैर वो अलग किस्सा है। पॉइंट ये है कि एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ तमीज से बात करनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए जितना हो सके, चाहे आप दोस्त ना हो, लेकिन आपको एक दूसरे के साथ एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर, एक कॉर्डियल बिहेवियर मेंटेन करके रखना चाहिए, बदतमीजी की कोई स्कोप नहीं होनी चाहिए। मैंने जो उस दिन किया बिल्कुल गलत था और मैं उसके लिए प्राउड नहीं हूँ, शर्मिंदा हूँ। और मैंने घर आके सोचा कि यार मैंने ऐसे रिएक्ट क्यों किया, मैं ऐसे नेचुरली तो रिएक्ट करता नहीं हूँ, प्रॉब्लम क्या है। तो मुझे 2 मेन प्रॉब्लम लगी कि मैंने कभी भी ऐसे एनवायरनमेंट में शायद वर्कआउट नहीं किया होगा, बिल्कुल बंद जिम में जिसमें एक भी एसी नहीं चल रहा शायद वर्कआउट नहीं किया, इस वजह से उस सिचुएशन ने ट्रिगर किया वो गुस्सा मेरे अंदर। दूसरा,
मैंने उस दिन प्री वर्कआउट लिया था। मैं प्री वर्कआउट ज्यादातर नहीं लेता, बहुत कम प्री वर्कआउट लेता हूँ। एक महीने में शायद 3-4 बार मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ, जिस दिन मुझे बहुत ज्यादा थकान लगती है, जैसे कि आज का दिन। अगर सिचुएशन नॉर्मल होती तो मैं आज भी प्री वर्कआउट लेता, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने प्री वर्कआउट लेना बंद कर दिया है। और जब मैंने आके सोचा कि हो सकता है प्री वर्कआउट ने वो एग्रेशन ट्रिगर किया हो, मुझे नहीं पता क्या प्री वर्कआउट में कैपेबिलिटी होती है आपके अंदर का एग्रेशन बाहर निकालने की, आई डू नॉट नो। लेकिन जब आप प्री वर्कआउट लेते हैं तो आपका फोकस तो बढ़ जाता है, आपका वो एड्रेनलिन रश बढ़ जाता है। शायद उसने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया उस गुस्से को एम्पलीफाई करने में। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा डर गया और मैंने भाई प्री वर्कआउट लेना बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने हाथ जोड़ लिया, मुझे इस तरीके का इंसान नहीं बनना, ना कभी ऐसे किसी के साथ व्यवहार करना है। ये एक पब्लिक अपॉलॉजी है। अगर निशांत उनका नाम है, अगर आप मेरा चैनल देखते हो, आई डोंट थिंक आप देखोगे, अगर आप गलती से देखते हो और आप गलती से इस वीडियो को देखते हो, तो यार निशांत ये एक पब्लिक अपॉलॉजी है आपके लिए। जैसे मैंने आपके साथ बिहेव किया, किसी को किसी के साथ नहीं करना चाहिए। मेरे बिहेवियर के बाद भी आपने बहुत आराम से बात करी, आपने रिएक्ट नहीं किया, वो आपका बड़प्पन है और मेरे मन में आपके लिए बहुत सम्मान है। एंड आई एम रियली सॉरी एंड अशेम्ड ऑफ हाउ आई बिहेव। तो हो सकता है प्री वर्कआउट को कोई लेना देना ना हो भाई, लेकिन मैं अब नहीं लूंगा, मैं गया हूँ डर। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि हर किसी के साथ जितना प्यार से पेश आ पाओ उतना आओ। एक ही जिंदगी है, जितने दोस्त बना पाओ उतने बनाओ, जितने कम दुश्मन बने उतना अच्छा है, जितने लोग आपसे कम नाराज हो उतना अच्छा है। हंसी खुशी रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, कुछ बुरा भी लग जाए तो इग्नोर करो यार, क्या हो गया। लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं आज प्री वर्कआउट लेता तो बहुत फायदा होता, बहुत मन कर रहा था। लेकिन भाई प्रॉमिस अपने आप से किया हुआ ना तोड़ना नहीं चाहिए कभी। ये कमिटमेंट जो मैंने कर दी, वो क्या डायलॉग था सलमान खान का, अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी फिर तो भाई मैं अपने आप की नहीं सुनूंगा, अब मैं प्री वर्कआउट नहीं लूंगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा वर्कआउट रहा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तकरीबन 6 out of 10 वाला वर्कआउट, लेकिन आज 8.5 out of 10 वाला वर्कआउट रहा। कम सोने के बाद भी आई थिंक अच्छा फोकस मैं कर पाया, कॉन्सेंट्रेट कर पाया, प्रोग्रेशन भी अप्लाई कर पाया, अच्छा पंप आया है, सो ऑल गुड। और मैं वर्कआउट करते करते एक बात सोच रहा था, जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रहा था वर्कआउट से पहले, कि काफी लोग कहते हैं कि जो एक इंसान का नेचर होता है ना वो कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, और खासकर बड़े होने के बाद, एक एज के बाद किसी के अंदर नई आदतें डेवलप नहीं करी जा सकती। मैं इस बात से स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूं। अगर आप चाहते हैं, अगर आपका एक ओपन माइंडसेट है, तो आप नई आदतें किसी भी एज में डेवलप कर सकते हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं रोज गलतियां करता हूं, रोज कोई ना कोई गलती मैं करता हूं, उसे रियलाइज करना मेरा काम है, उसे एक्सेप्ट करना मेरा काम है और उससे सीखना मेरा काम है, और ये इंश्योर करना मेरा काम है कि मैं उस गलती को रिपीट ना करूं। अगर कोई गलती से गलती हुई है तो अलग बात है, लेकिन अगर मेरे नेचर में कोई फ्लॉ है, अगर कोई चीज मुझे एज अ ह्यूमन बींग अपने अंदर चेंज करनी है, तो सबसे पहली चीज है उसे रियलाइज करना, उसे एक्सेप्ट करना, फिर उस पर काम करना, कॉन्शियसली फोकस करना कि मैं उन चीजों को रिपीट ना करूं बार बार। ज्यादातर हम इंसान ऐसी गलतियां करते हैं जिससे दूसरों को ठेस पहुंचती है, हमारी ईगो को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन दूसरे बुरा मान जाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो हमारे बारे में गलत धारणाएं पैदा करते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। तो हर इंसान हर एज में कुछ भी सीख सकता है, तो कभी भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो, बस जो गलती करते हो उसे एक्सेप्ट करो, उसे रियलाइज करो। मैं प्रोसेस रोज फॉलो करता हूँ, हर बार मैं सक्सेसफुल नहीं होता लेकिन फॉलो रोज करता हूँ, कोशिश रोज करता हूँ। मैं इस महिला का पर्दाफाश करना चाहता हूँ, इसने कल पूरी रात पार्टी करी है, खूब खाया पिया है, सुबह लेट उठी है, लेकिन इसे तनिक भी शर्म नहीं है, इतनी सी भी शर्म नहीं है। मेरा दिन बचा है, तुम्हें क्या पता मैं और क्या करूंगी अभी। ये जिम जा सकती थी, ये योगा कर सकती थी, ये ट्रेडमिल कर सकती थी, मैं आया तो फोन पे बतिया रही थी अपनी फैमिली के साथ। मुड़ के देखो, शर्म से भाग गई। प्रिटेंड कर रही है ना इग्नोर करने का मेरे को। क्यों इग्नोर हूँ मैं, तेरा हस्बैंड हूँ, ये मेरा घर है, मैं क्यों इग्नोर हूँ, दैट इज अनफेयर। तो दोस्तों, दो अपडेट्स विहान की मुझे आपको देनी है।
बहुत अच्छी अपडेट्स है। पहली, आपको पता है बास्केटबॉल कोचिंग में तो जाता है, बास्केटबॉल सीख रहा है, बहुत अच्छा पिकअप कर रहा है। दूसरा, इसके स्कूल में क्रिकेट के ट्रायल्स हुए थे, सबसे पहला बच्चा अपनी क्लास में से, अपने सेक्शन में से सिलेक्ट होने वाला था, विहान त्यागी। तो इसी बात पे तालियां, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। दूसरी अपडेट है कि ये खड़ा हो रहा है डिप्टी हेड बॉय के इलेक्शन में। कैंपेनिंग चल रही है अभी, इलेक्शन बाद में होगा, वोटिंग होगी प्रॉपर, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग कंटेंडर है। तो भाई जीतेगा, भाई जीतेगा विहान त्यागी, तू भी तो बोल, जीतेगा भाई जीतेगा विहान त्यागी जीतेगा। तो हमें बहुत उत्सुकता से इंतजार है कि इलेक्शंस का क्या रिजल्ट आता है। बहुत दिल से ये कैंपेनिंग कर रहा है और मेरी बेस्ट विशेज के साथ है। मैं चाहता था आप भी अपनी बेस्ट विशेज इसे पास ऑन कर दे, बोल दे, कर दो, कर दो, थैंक यू। क्या बना रही है? सोचा नहीं। तो बेसिकली इसे कल पार्टी करनी है, अच्छा खासा खाना पीना है, डांस वांस करना है, उसके बाद वीडियो का टॉपिक क्या मेरे ऊपर है क्या? नहीं नहीं, मैं कितनी गंदी है, नहीं मैं ये बता रहा हूँ, इशिता की गंदी लाइफ देखिए, नहीं ये आज का टॉपिक है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जिम जा सकती थी लेकिन ये नहीं गई, तो आप लोग इसे बोलो कि ऐसे नहीं करना है। जिम तो देखा है, मैं जिम जाती हूँ। हाँ लेकिन ऐसे रेगुलरली जाती हूँ। देखो बोलने नहीं देती, बोलने नहीं देती, ठीक है बंद करते हैं ये शॉट, यही खत्म हो रहा है भाई। लेकिन आप लोग समझ गए, चिकन बन रहा है, कल पार्टी हुई है, जिम नहीं हुआ। तो जो शॉट्स आपने देखे वो उस चिकन के हैं जो इश्ता सुबह बना रही थी, वो बन के रेडी और हम लंच में उसे खाने वाले हैं। ये जिम नहीं गई फाइनली, लेकिन मैं ये चिकन टेस्ट करने वाला हूँ, देखने में बहुत यम्मी लग रहा है। ये होगी हमारी आज की चीट मील, होममेड चिकन करी। और मैंने इससे पूछा तो ये बता रही है कि इस चिकन का कोई खास नाम नहीं है, कोई रेसिपी नहीं फॉलो करी मैंने, ऐसे ही बनाते हैं। वैसे तो हम इसका नाम रखेंगे इशिता चिकन। तो आज हम खाएंगे इशिता चिकन और खत्म करेंगे यहाँ पर ये ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज यार लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि क्या अच्छा लगा और क्या इम्प्रूव हो सकता है। और अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। हम खाते हैं ये खाना, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्लीज टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ।